नमस्कार दोस्तों, मैंने एक लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और वो अप्रूव हो चुका है। तो आज मैं इस वीडियो में वो लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है दोस्तों और सर्च बार में mparivahan लिख के सर्च कर लेना है। उसके बाद सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है mparivahan सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। अब ऑनलाइन सर्विस पर एक बार क्लिक करके दूसरे नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ नीचे अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी अपना स्टेट है आप उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ साइड पर लर्नर लाइसेंस लिख के एक ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन शो करेगा नीचे। तो आप आ जाएंगे प्रिंट लर्नर लाइसेंस फ्रॉम 3, इस पर क्लिक कर देना है, देन प्रोसीड कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ 3 ऑप्शन शो आ रहा है, एक एप्लीकेशन नंबर, दूसरा लाइसेंस नंबर एंड तीसरा मोबाइल नंबर। आप इस तीनों में से कोई भी नंबर डाल के नीचे सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ एप्लीकेशन नंबर के थ्रू सबमिट कर रहा हूँ, इसलिए एप्लीकेशन नंबर पर टिक करके नीचे यहाँ एप्लीकेशन नंबर को लिख देता हूँ। आप चाहे तो इस लाइसेंस नंबर पर टिक करके नीचे यहाँ लाइसेंस नंबर को डाल के सबमिट कर सकते हैं और आप चाहे तो मोबाइल नंबर पर भी टिक करके यहाँ नीचे मोबाइल नंबर को डाल के भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ आप भी अपने एप्लीकेशन नंबर को डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ को भी डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। ओके, अब आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ टाइप कर देना है और नीचे सबमिट कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपके सामने इसी तरह अपना लर्नर लाइसेंस शो करने लगेगा। आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एंड अगर नहीं चाहते तो आप सेव करके भी रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों छोटा सा इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।